हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। हमने पिछले वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 कंप्लीट कर लिया था। अब आइए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 4.3 की तरफ। अब उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें समझना, बहुत सारे टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर हमारे 3 से 4 फार्मूला भी आने वाले हैं। तो आइए वो कैसे डिराइव हुए, कैसे उन्हें समझना है, कैसे याद रखना है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। बट अगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द स्मार्ट बॉक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास 6 टर्म्स है जो हमें समझना जरूरी है, फिर उसके बाद जो है हम इनके फॉर्मूलाज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हमारा सबसे पहला है शेयर। तो शेयर हमें पता है स्टूडेंट्स के क्या होता है, कि कोई भी चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। शेयर होल्डर कौन होता है, जिसने वो शेयर खरीद लिया, उसके वो शेयर जो है उसके कब्जे में है, उसने वो शेयर जो है वो खरीद लिया है, ये पर्सन जो है वो क्या है, शेयर होल्डर है। तो यहाँ पर शेयर का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी, अगर हम एग्जाम्पल ले लें, और जिसकी प्रॉपर्टी है वो, जिसके जो उसका ओनर है, दैट इज़ known as the shareholder। अब next है stock exchange। अब stock exchange क्या है? Stock exchange एक जगह है जहां पर shares को हम बेचते और खरीदते हैं। तो this is known as what, stock exchange। Next is what, face value। ये बहुत ही ज़्यादा important है हमारे लिए। फेस वैल्यू क्या होता है? यहाँ पर फेस वैल्यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर मैं कोई स्टॉक खरीद रहा हूँ तो उसका एक प्रिंटेड प्राइस होता है, ठीक है? तो वो जो प्रिंटेड प्राइस होता है स्टॉक का, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। अब यहाँ पर फेस वैल्यू ही ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला हमें सामान बेच रहा है वो फेस वैल्यू पर ही बेचे। जो वैल्यू में सामान बेचा जाता है दैट इज़ नोन एज मार्केट वैल्यू। यानी अगर आपके पास कोई चीज़ है, मैं खरीदने आ रहा हूँ, तो आपके पास उसका एक डॉक्यूमेंट होगा, उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा। वो लीगल डॉक्यूमेंट पर अगर वो चीज़ 100 रुपये की लिखी हुई है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, उसका वो फेस वैल्यू है, ठीक है? लेकिन आप मुझे बोल रहे हैं कि ये वो प्रिंटेड प्राइस 100 रुपये है, लेकिन मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ 200 रुपये में। तो यहाँ पर आपकी चीज़ है, आप कितने भी रुपीज़ में मुझे बेच सकते हैं। तो आप जो मुझे 200 रुपये में बेच रहे हैं, दैट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ योर स्टॉक। तो यहाँ पर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, डेट इज़ डिविडेंड। तो यहाँ पे हमारा फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है, और ये तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमें यूज़ होने वाली है, दैट इज़ डिविडेंड। अब यहाँ पे डिविडेंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, के एक कंपनी है, आपने समझिए मुझे जो स्टॉक्स बेचे, आपकी कंपनी है, मैंने आपके स्टॉक्स खरीद लिए, अब कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो प्रॉफिट का कुछ परसेंट जो है वो कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है, दैट इज़ नोन एज डिविडेंड। अब यहाँ पे डिविडेंड का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, समझिए। सपोज करते हैं कि डिविडेंड अगर हमें कितना दिया है कंपनी ने, 5% दिया है। तो ये जो डिविडेंड कंपनी देती है, ये 5% किस पे देती है, मार्केट वैल्यू पे नहीं देती, ये 5% देती है फेस वैल्यू पे। तो यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड अमाउंट होगा, यानी कितना रुपया दे रही है, हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा कि 5% 2% 10% डिविडेंड रेट है, लेकिन हमें उसका अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले डिविडेंड अमाउंट फाइंड करेंगे एक शेयर का। तो वो कैसे फाइंड होगा, समझिए। 5% अगर हमें कंपनी दे रही है, तो 5% यानी 5/100 इंटू फेस वैल्यू करेंगे हम, तो हमें क्या आएगा, डिविडेंड का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है कि परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू इज व्हाट, डिविडेंड अमाउंट, ये हम याद रखेंगे। अब आगे हमारा कंपैरिजन है एफवी और एमवी का, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो आइए वो देखते हैं। यहाँ पर हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं बिटवीन एफवी एंड एमवी। अब हमें पता है कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू को एफवी और एमवी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है, वो कंडीशन कुछ इस तरह है कि अगर एमवी जो है हमारा, मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है, यानी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और फेस वैल्यू कम है, यानी आपकी कोई चीज़ 100 रुपये की है बट आप उसे 200 रुपये में बेच रहे हैं। यानी हम इस तरह से कर लेते हैं कि एमवी अगर हमारा 200 रुपीज़ है और फेस वैल्यू अगर हमारा 100 रुपीज़ है, तो जो शेयर हम बेच रहे हैं उससे हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि द शेयर इज़ एट प्रीमियम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन द शेयर इज़ एट प्रीमियम,
यानी हमें जो है वो उस शेयर से प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी आप सिंपल सी बात है कि उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और आप बेच रहे हैं उसे 200 रुपीज़ में, तो आपको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है ऑफ हाउ मच 100 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 100 शेयर इज एट प्रीमियम फॉर 100 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा। अब सेकंड कंपैरिजन हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमारा एमवी और एफवी दोनों ही इक्वल है, यानी आपकी जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपया है और एमवी भी क्या है 100 रुपया है, यानी मार्केट वैल्यू जितने में आप बेच रहे हैं वो भी 100 है और एफवी भी कितना है 100 है, यानी आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है लेकिन आपको कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द शेयर इज एट पार। तो याद रखिए कि अगर हमारा मार्केट वैल्यू ज़्यादा होता है तो हमें जो वो शेयर जो है वो प्रीमियम होता है, और अगर हमारा मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होता है तो वो क्या होता है, शेयर इज एट पार। तो यहाँ पर हम थर्ड देखते हैं कि अगर हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो कम है किससे, फेस वैल्यू से, यानी आपकी फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज़ थी बट मार्केट वैल्यू उस स्टॉक की क्या हो गई है, गिर गई है 80 रुपीज़ हो गई है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे द शेयर इज एट डिस्काउंट। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे द शेयर इज एट डिस्काउंट, और कितने रुपीज़ का डिस्काउंट हो रहा है, हम एफ वी माइनस एम वी करेंगे तो 20 रुपीज़ आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफ 20 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा कंपैरिजन होता है। या वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एम वी ज़्यादा है एफ वी कम है तो हमारा शेयर क्या है, प्रीमियम पर है, और अगर दोनों ही सेम है तो शेयर इज एट पार, और अगर एफ वी ज़्यादा है एम वी कम है तो यहाँ पर हमारा शेयर जो है वो डिस्काउंट में हमें बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिस वॉज द कंपेरिजन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आर ओ आर, यानी रेट ऑफ रिटर्न, उसका भी एक फॉर्मूला है, फिर उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, आइए जल्दी से वो भी देख लें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आर ओ आर, इसका मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, यानी हम जब भी कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमें याद रखने के लिए कि रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या मिलने वाला है। अब रेट ऑफ रिटर्न का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा याद रखिए क्योंकि ये रेट है तो हमेशा परसेंटेज में होगा, तो रेट ऑफ रिटर्न का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज डिविडेंड इनकम। अभी हमने देखा कि डिविडेंड हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो होता है पर शेयर का। अगर मैं ऐसे लिखूं डिविडेंड इनकम क्या होता है हमारा, परसेंटेज जो भी है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनटू एफवी होता है, तो ये जो हमें अमाउंट आता है ये एक शेयर का आता है। अब हमने अगर 100 शेयर खरीदे हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, टोटल डिविडेंड इनकम आ जाएगा। तो यहाँ पर आर ओ आर के फॉर्मूला में वही होता है डिविडेंड इनकम, यानी हमारा डिविडेंड इनकम जितना है, अगर हमने 100 शेयर खरीदे हैं या 1 शेयर खरीदा है तो वहाँ पे डिविडेंड इनकम उसका इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा न्यूमरेटर में रहेगा। अब डिनोमिनेटर में हमारा रहेगा सम इन्वेस्टेड। अब यहाँ पर सम इन्वेस्टेड क्या है कि अगर समझ लीजिए कि हमने 100 शेयर्स जो है वो खरीदे थे, तो हम शेयर्स खरीदते किस पे हैं, मार्केट वैल्यू पे, तो यहाँ पर हमारा जो सम इन्वेस्टेड होता है हमेशा वो होता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी जितने शेयर्स हम खरीद रहे हैं उसको हम मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारा सम इन्वेस्टेड आ जाएगा। तो डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमारा डिविडेंड इनकम जो है वो 150 रुपीज़ है और हमारा सम इन्वेस्टेड था 3000 रुपीज़ का, तो उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल, 0 3 5 15, तो यहाँ पर हमारा आर ओ आर क्या आ रहा है, 5%। तो यहाँ पर इस तरह से हम जो है आर ओ आर का फॉर्मूला डिराइव होता है। अब यहाँ पर हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं जिसमें जितने भी फॉर्मूलाज हमने अभी पढ़े उसे यूटिलाइज कैसे करना है हमें वो समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अवर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है और सूटेबल नंबर्स और सूटेबल वर्ड्स यूज करके हमें इसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला है जिसकी फेस वैल्यू, एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और वो शेयर जो है वो क्या है, पार पे है, यानी हमें पता है कि अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल होती है तो ही हमारा शेयर जो होता है वो एट पार होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फेस वैल्यू अगर 100 है
तो मार्केट वैल्यू भी 100 होनी चाहिए, तभी ही हमारा शेयर क्या होगा, पार पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा सेकंड फेस वैल्यू तो नहीं दी हुई है, लेकिन प्रीमियम पर है शेयर और मार्केट वैल्यू जो है उसकी 575 है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है और फेस वैल्यू कम होती है, तभी ही हमारा शेयर जो होता है वो प्रीमियम पे होता है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, तभी ही प्रीमियम आएगा। तो यहाँ पर हमारा मार्केट वैल्यू कितना है, 575, और प्रीमियम कितना है, 500। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 575 माइनस 500 विल गिव अस 75, यानी हमारा जो फेस वैल्यू था शेयर का दैट वाज 75, और उसकी मार्केट वैल्यू अब 575 है, तभी हमें क्या हो रहा है, शेयर पे प्रीमियम मिल रहा है 500 रुपीज़ का। अब यहाँ पर देखते हैं, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू जो है वो 5 है, यानी मार्केट वैल्यू कम हो गई और फेस वैल्यू ज़्यादा, मतलब शेयर इज़ एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 10 माइनस 5 विल बी ₹5। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सम बहुत ही आसानी से ख़त्म होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट सम है जो एग्ज़ाम में एक्टिविटी में पूछ सकता है। तो यहाँ पर आइए सेकेंड सम देखते क्वेश्चन में हैं। आइए रीड कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मिस्टर अमोल परचेज्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100, यानी यहाँ पर मिस्टर अमोल ने 50 शेयर्स खरीदे हैं जिनकी फेस वैल्यू क्या थी, 100 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी थी, 100 रुपीज़, और नंबर ऑफ शेयर्स यानी कितने शेयर्स खरीदे मिस्टर अमोल ने, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज या बाई, ठीक है, परचेज इज 50 शेयर्स, ठीक है, 50 शेयर्स मिस्टर अमोल ने खरीदे। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज ₹80। तो अब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है हमारा, ₹50 है, ठीक है, यहाँ पे भी रुपीज़ की साइन आएगी। अब आगे क्या बोल रहे हैं, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड। तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड भी पता है हमें, डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, 20%, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी रेट ऑफ रिटर्न उनका क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें डिविडेंड अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिविडेंड अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, या डिविडेंड इनकम का, डिविडेंड इनकम पर शेयर, एक शेयर का। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है कि एक शेयर का हम कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज क्या है, 20%, तो उसे मैं 20/100 लिख सकता हूँ, और मेरी फेस वैल्यू क्या है, 100, तो यहाँ पर 100, तो दैट विल गेट कैंसल्ड एंड दिस विल बी बिकमिंग ₹20 पर शेयर, ठीक है। एक शेयर पे उन्हें 20 रुपीज़ जो है वो डिविडेंड मिल रहा है, बट उन्होंने कितने शेयर खरीदे हैं यहाँ पर, 50 शेयर्स। तो मैं ये 20 को जो है वो क्या करूँगा, 50 से मल्टीप्लाई करूँगा, दैट विल बी व्हाट, माय टोटल डिविडेंड इनकम है ना, तो यहाँ पर होगा 2 × 5 = 10 और ₹1000। तो यहाँ पर हमारा टोटल डिविडेंड इनकम क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, यानी हमारे ROR का फॉर्मूले में फर्स्ट यानी न्यूमरेटर जो है वो आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट, सम इन्वेस्टेड। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट अपना सम इन्वेस्टेड फाइंड करेंगे। सम इन्वेस्टेड क्या होता है स्टूडेंट्स, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, यानी हमने कितने रुपीज़ में ख़रीदा, हम हमेशा मार्केट वैल्यू पे ख़रीदते हैं, तो मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी अगर 100 रुपये का मैं ख़रीद रहा हूँ 50 शेयर, तो जाहिर सी बात है 100 × 50 करूँगा। तो यहाँ पर मिस्टर अनमोल जो है वो 50 शेयर्स खरीद रहे हैं एट ₹80 मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर हम 80 × 50 करेंगे, दैट विल गिव अस नथिंग बट 4000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा सारा चीज़ रेडी है। तो आइए यहाँ पर हम सीधा सीधा ROR का फॉर्मूला लगाएंगे, ROR इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। इस तरह से हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमारा ये क्या है, 1000 रुपीज़, 1000 लिख देंगे, यहाँ पे है हमारा 4000 × 100, तो ये 0000 कैंसिल, दिस विल गेट कैंसिल 25। तो यहाँ पर हमारा 25% जो है वो हमें ROR मिल रहा है मिस्टर अनमोल को बाय द कंपनी। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर इज 25%। ये हमें पूछा था ROR फाइंड करने के लिए, हमने ROR फाइंड कर लिया।
आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। यानी कंपनी ए से, तीन कंपनी से जोसेफ ने क्या किया है, शेयर्स खरीदा है। उसके हमें जो है डिटेल्स कुछ इस तरह से दी हुई है। कंपनी ए से, यानी हम स्टार्ट करते हैं विद कंपनी ए। कंपनी ए से जोसेफ ने कितने शेयर्स खरीदा है, 200 शेयर्स खरीदा है, ठीक है, 200 शेयर्स। और फेस वैल्यू उसकी कितनी है, फेस वैल्यू इज ₹2, और प्रीमियम पर खरीदा उसने, ठीक है, प्रीमियम ₹18, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मार्केट वैल्यू नहीं पता है तो हम उसका इन्वेस्टमेंट फाइंड नहीं कर सकते, बट यहाँ पर हमारे पास मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है, मार्केट वैल्यू माइनस FV इज इक्वल टू प्रीमियम, क्योंकि हमें पता है प्रीमियम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। याद रखिए स्टूडेंट्स के जो भी वैल्यू ज़्यादा होती है, यहाँ पे प्रीमियम पे है तो हमें पता है कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हम मार्केट वैल्यू पहले लिखते हैं। अगर हमें पता होगा कि डिस्काउंट पे है तो फेस वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हम फेस वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमें मार्केट वैल्यू पता नहीं है तो हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे। फेस वैल्यू हमारी 2 है और प्रीमियम हमें 18 का मिला है, तो यहाँ पर 18 प्लस 2 मार्केट वैल्यू ₹20 आ गई। अब मार्केट वैल्यू आ गई है तो हम उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, सम इन्वेस्टेड। तो यहाँ पर उसका सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए, कंपनी ए में उसने कितना इन्वेस्ट किया है, 20 × 200, दैट विल गिव अस ₹4,000। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आ गया ₹4,000 का। आइए नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, दैट इज़ कंपनी बी, ठीक है। कंपनी बी में उसने 45 शेयर्स खरीदे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45 शेयर्स। और MV दिया हुआ है हमें, डायरेक्ट MV दिया हुआ है, कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। MV हमें दिया हुआ है ₹500, तो यहाँ पर ₹500 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 500 × 45, तो यहाँ पर 45 × 225, और ये हमारा ये, तो ये हमारा सेकेंड सम इन्वेस्टेड है, डेट इज सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी। अब हम अपना थर्ड वाला देख देते हैं, दैट इज कंपनी सी। कंपनी सी में उन्हें सिर्फ एक ही शेयर खरीदा और उनका मार्केट वैल्यू है 10,540। यानी एक ही शेयर खरीदा है, यानी MV × 1 विल बी द सेम एज द मार्केट वैल्यू। तो यही हमारा क्या है, थर्ड कंपनी का सम इन्वेस्टेड है। अब हमें पूछा हुआ है कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड करना है कि तीनों शेयर्स मिला के मिस्टर जोसेफ ने कितना इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी। यानी तीनों के कंपनी के इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दैट विल गिव अस नथिंग बट 4000 प्लस 22500 प्लस 10540। तो यहाँ पर हाँ, दैट विल गिव अस नथिंग बट 3704। यानी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट बाय जोसेफ वॉज ऑफ ₹37,040। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड सम भी ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान सम है। अगर हमें फॉर्मूलाज याद है और FV MV होता क्या है, ये सब अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आइए यहाँ पर हमारा थर्ड सम ख़त्म होता है, फोर्थ सम स्टार्ट करें। तो हमारा फोर्थ सम कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स के, श्रीमती देशपांडे परचेज्ड शेयर ऑफ FV ₹5। यानी हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि देशपांडे जी ने परचेज रुपीज शेयर एट FV ₹5। यानी FV कितना था, 5, तो FV ऑफ शेयर्स हम कितना लिखेंगे, ₹5 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है, एट प्रीमियम ऑफ ₹20, यानी प्रीमियम पे था शेयर, यानी MV हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब हमें पता है कि MV माइनस FV इज इक्वल टू प्रीमियम होता है, तो MV हमें नहीं पता है, FV हमारा 5 है और प्रीमियम हमें 20 दिया हुआ है, तो MV हमें यहाँ पर आएगा 20
5 रुपीज़। तो यहाँ पर MV हमारा 25 हो गया है। प्रीमियम से हमें कुछ मतलब नहीं है, वो प्रीमियम हमें MV फाइंड करने के लिए दिया हुआ होता है, जो कि हमने फाइंड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ मैनी शेयर्स विल शी गेट एट ₹20,000। अगर उनके पास ₹20,000 है और उनको जो है वो सारे शेयर्स खरीदने हैं, दैट इज़ द मार्केट वैल्यू इज़ 25 रुपीज़। तो यहाँ पर कितने शेयर खरीदेंगे, हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आइए कर लेते हैं, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू MV इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। तो सम इन्वेस्टेड हमें पता है कि उन्हें 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, MV हमें पता है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता है, तो हम उनसे एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये 20,000 को हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, नथिंग बट 800। तो यहाँ पर देश पांडे कैन बाय 800 शेयर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही आसानी से हमारा फोर्थ सम भी खत्म होता है स्टूडेंट्स। आइए फिफ्थ सम देखें। पर हमारा फिफ्थ सम कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स के, श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स पहले से ही दे दिया गया है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू हाउ मच, 150, ठीक है, 150 शेयर्स ऑफ FV ₹100। फेस वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, ₹100 दिया हुआ है, और MV भी हमें दिया हुआ है 120, तो MV हम लिखेंगे 120। कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%, यहाँ पर हमें डिविडेंड भी दिया हुआ है, डिविडेंड इज हाउ मच, 7%, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम। तो यहाँ पर डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू 7/100 इंटू फेस वैल्यू क्या है हमारी, 100, दैट इज 7 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पर टोटल डिविडेंड इनकम क्या होगी हमारी, 7 इंटू वॉट, अवर नंबर ऑफ शेयर्स, तो दैट विल बी 150। हमारा टोटल जो आएगा वो आएगा 1,050 रुपीज़। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, डिविडेंड इनकम आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट, तो सम इन्वेस्टेड भी हमें पता है कि मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स होता है, तो सम इन्वेस्टेड विल बी व्हाट, मार्केट वैल्यू हमारी 120 है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 150 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1800। तो ये हमारा क्या है, सम इन्वेस्टेड है, यानी 18,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अब यहाँ पर हम सीधा सीधा अपने ROR का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज़ 1050/18000×100। तो ये 00, ये 00 विल गेट कैंसल। तो आइए इसे अब हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर 18 विल बी 54, तो वापस से यहाँ पे 60 आएगा, तो यहाँ पे 333 कंटिन्यू होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा ROR जो होगा, दैट विल बी 5.83%। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमारा ये सम भी ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी सम से। आइए लास्ट सम देखते हैं। सम कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स कि इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, यानी दो कंपनी से शेयर खरीदे गए हैं और उन दोनों का फेस वैल्यू क्या है, सेम है, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, कौन सा प्रॉफिटेबल ज़्यादा है वो हमें फाइंड करना है। यानी ROR अगर हम फाइंड करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न, तो जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा वो कंपनी हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर हमें FV नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं, कंपनी ए डिविडेंड उसका कितना है, डिविडेंड इज 16%, ठीक है, और MV कितना है, 80, और FV हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे उसे X, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कंपनी B का लिखे डेटा, तो कंपनी B में भी हमें डिविडेंड कितना है, 20%, ठीक है, MV इज अवर 120 रुपीज़, और FV भी हमारा क्या रहेगा, X रहेगा, क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया गया है कि दोनों का फेस वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम अपना सीधा सीधा ROR का फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले डिविडेंड इनकम चाहिए होगा, ठीक है, डिविडेंड इनकम विल बी 16/100 इंटू फेस वैल्यू X। तो ये हमारा क्या है, डिविडेंड इनकम है, इसे हम एज इट इज़ छोड़ते हैं, अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक शेयर है, तो यहाँ पर हम आगे इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट विल बी व्हाट, अवर टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी अवर व्हाट, 80, क्योंकि यहाँ पे एक ही शेयर है, तो हम यहाँ पे सीधा ROR का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट विल बी 16/X/80 इंटू
100, तो ये हमारा ROR का फॉर्मूला हो गया। तो दिस विल बी नथिंग बट 16x इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 80, तो ये 100 विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा 16x अपॉन 80, जिसे मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 5। तो यहाँ पर ये x अपॉन 5% हो गया हमारा, ये ROR है फॉर फर्स्ट कंपनी। अब सेकेंड कंपनी में भी हम सेम करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड इनकम फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा डिविडेंड इनकम क्या होगा यहाँ पे 20 अपॉन 100 इंटू एक्स, क्योंकि हमारा एफ वी भी यहाँ पर एक्स है, तो दैट विल बी नथिंग बट 20 अपॉन 100 20x अपॉन 100। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम ROR का फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा, दैट विल बी 20x अपॉन 100 डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, यानी यहाँ पर 120 इंटू व्हाट 100, तो दिस विल गिव अस नथिंग बट 20x इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 120, तो यहाँ पे दिस विल गेट कैंसल, दिस विल गेट कैंसल 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है x अपॉन 6%। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी बी का ROR है x अपॉन 6 और कंपनी ए का ROR है x अपॉन 5। तो यहाँ पर हमें पता है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पर हमारे कंपनी ए का डिनोमिनेटर छोटा है, दैट इज x बाय 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ROR ऑफ कंपनी ए इज ग्रेटर देन ROR ऑफ कंपनी बी, दैट इज यहाँ पर हम लिख लेते हैं x अपॉन 5% इज ग्रेटर देन x अपॉन 6%, देयरफॉर कंपनी ए विल गिव मोर प्रॉफिट, या कंपनी ए विल बी मोर प्रॉफिटेबल। तो इस तरह से हमारा सिक्स सम भी खत्म होता है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ हमारा 4.3 भी खत्म होता है। आई होप यहाँ पर आपको हर एक सम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी सम में कुछ भी डाउट है कोई भी स्टेप में, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें एंड स्टे ट्यून्ड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।